हर मुद्दे की तह तक जाने का एक नया जुनून जल्द आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही लगातार बेहद तेज गहमागहमी है। गहमागहमी इस बात को लेकर कि क्या सरकार ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन पर तमाम मुल्क को बुद्धू बना रही है, बेवकूफ बना रही है। इस बाबत आज एक पूर्व सैनिक ने खुदकुशी कर ली जहर की गोलियां खाकर, सल्फास खाकर। उसके ऊपर अब राजनीति सियासत चरम पर है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तस्वीरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं। राहुल गांधी को आज दिन भर में ये दूसरी बार हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी को पहली बार हिरासत में लिया गया, उसके 3 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन शाम होते होते वो फिर प्रोटेस्ट करने पहुंचे। क्योंकि खबर ये है असली कि जिस सैनिक ने खुदकुशी की, ग्रेवाल साहब, उनके परिवार के साथ दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की। यह आरोप दिल्ली पुलिस पर लगा है कि उनके बेटे के साथ धक्कामुक्की की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई और अंत में परिवार के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया। इन तमाम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उस परिवार की मदद के लिए आगे आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 बार गिरफ्तार हुए हैं और ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं दिल्ली से। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को न सिर्फ सबसे पहले उठाया, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया आज सुबह सुबह करीब 8-8:30 बजे के आसपास, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी के लोग भी सड़कों पर उतरे। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और खबर ये आ रही है कि आरकेपुरम थाने की ओर उनको लेकर गए हैं। इससे पहले दिन में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, क्योंकि उन्होंने इन्हीं परिजनों से मिलने की, स्वर्गीय रमाकांत ग्रेवाल के परिजनों से मिलने की कोशिश की थी। इन तमाम घटनाक्रम के बीच में सरकार का साफ ये कहना है कि ओआरओपी को लेकर जो भी तमाम दिक्कतें रहीं, उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश बीते 2.5 साल से की जा रही है और बड़े हद तक इस साल 17 फरवरी को बिल लाकर ओआरओपी को लागू कर दिया गया है। और जो दिक्कतें हैं, जिन लोगों के निजी केसेस हैं, पर्सनल केसेस हैं ओआरओपी के संदर्भ में, उनके लिए कमीशन का गठन किया गया है जिसके पास आप अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। रमाकांत ग्रेवाल दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। बीती रात उन्होंने अपने घर फोन कर इतला दी कि उन्होंने सल्फास की गोलियां खा ली हैं। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके बेटे के साथ बातचीत की, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले ये दिन भर का घटनाक्रम कि कैसे राजधानी के लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर आज दिन भर गहमागहमी और घमासान का माहौल रहा। हम तो पूछेंगे मैं अगले 1 घंटे बड़ी बहस, खुदकुशी पर सियासत क्यों? ओआरओपी नहीं दे रहे, उनके रैंक कम कर दिए, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन कम कर दी। माल की बात है भैया, कैसा देश है ये? मैं परिवार से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने तो दीजिए। दिल्ली में एक खुदकुशी पर सियासी जंग चल रही है। सेना के पूर्व सूबेदार रामकिशन ने खुदकुशी कर ली। वो वन रैंक वन पेंशन में कुछ कमियों पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहते थे। पुलिस के हाथ उनके खुदकुशी की चिट्ठी लगी है जिसमें उन्होंने सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी जान देने का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है, श्रीमान रक्षा मंत्री जी, भारत सरकार, मेरी तरह हजारों सैनिक है लेकिन उन्हें 6ठा, 7वां और वन रैंक वन पेंशन की बढ़ोतरी नहीं मिलती है। निवेदन है कि इन्हें पूरा किया जाए। मैं मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए एवं मेरे देश के वीर जवानों के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर रहा हूं। आपका भवदी सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल।
रामकिशन ग्रेवाल काफी दिनों से वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी मौत के बाद विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार भी मिल गया। हरियाणा के रहने वाले सूबेदार रामकिशन के परिवार से मिलने के लिए नेताओं का तांता लगना शुरू हो गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रामकिशन के परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। ऐसा ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मैं बताना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी वाले लीडर्स आए थे उनको हमने डिटेन कर लिया, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। उसके बाद कांग्रेस लीडर्स आए, राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी को भी हमने अंदर नहीं जाने दिया। थाने के बाहर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। अंदर थाने में राहुल गांधी की पुलिस वालों से बहस हो रही थी। रामकिशन के बेटे और उनके रिश्तेदार भी इसी थाने में हिरासत में रखे गए थे। उनका आरोप था कि पुलिस वालों ने उन्हें पीटा और गालियां दी। मेरे साथ में बहुत जाती हो रही है, हमारे परिवार ने सारे अरेस्ट कर लिया और लात घुसे हमारे हमारे साथ में बहुत जाती हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लेडी हार्डिंग अस्पताल रामकिशन के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्हें भी परिवार से नहीं मिलने दिया गया। वो घंटों तक वहां बैठे भी रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अगर ऐसा कोई हादसा हो तो मुझे उनके परिवार वालों से मिलने जाना चाहिए, और मैं हमेशा जाता हूं। आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। मंदिर मार्ग थाने से छूटने के बाद राहुल गांधी दोबारा कोनॉट प्लेस थाने पहुंच गए, जहां पुलिस रामकृष्ण के परिवार को भी ले गई थी। राहुल एक बार फिर यहां हिरासत में ले लिए गए। उनकी जिद थी कि रामकृष्ण के परिवार को छोड़ा जाए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्षी दल खुदकुशी में सियासी मौका तलाश रहे हैं। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या विपक्ष पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सियासत कर रहा है? हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन का इस डिबेट में मुझे बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरा आज का सवाल है कि क्या विपक्ष पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर सियासत कर रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और मुझे 51818 पर अपने SMS भेज सकते हैं। #HTP और #ORoP पर सियासत के जरिए भी आप अपने सवाल, सुझाव और अपनी राय हमको भेज सकते हैं IBN7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर। इसका, आपके सुझावों का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के इस पैनल डिस्कशन में मेरे साथ पॉलिटिशियंस भी हैं और रिटायर्ड फौजी भी हैं। मैं उन सब का परिचय आपसे बारी बारी से कराता हूं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के वाइस चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल सदबीर सिंह मेरे साथ हैं। पूर्व वायु सैनिक सार्जेंट प्रबोध कुमार साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से BJP के स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता RPN सिंह जी हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। और कुछ ही देर में स्वर्गीय रामकिशन ग्रेवाल जी के परिवार के सदस्यों को भी हम लाइव लाने की कोशिश करेंगे इस डिबेट में। मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं। पहला सवाल मैं सीधे तौर पर RPN सिंह में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर अरेस्ट होकर एक नहीं दो दो बार अपने आप को डिटेन कराकर हिरासत में लाकर क्या राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी स्वर्गीय रमाकांत ग्रेवाल साहब की खुदकुशी को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को घेरने के लिए? मैं समझ सकता हूं अवस्थी जी बिल्कुल गलत है। अगर राहुल गांधी जी अगर कोई सैनिक को तकलीफ की वजह से किसी कारण की वजह से अपनी जान खुदकुशी करता है और उसको अगर उसके परिवार को संतावना देने राहुल गांधी जी पहुंचते हैं तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि ये कोई राजनीति है। अगर ऐसे बड़ी घटना में कोई नेता या राजनेता एक संकट के परिवार के बीच में पहुँचता है और उनसे मिलने न दिया जाता हो, और ये हिंदुस्तान का कल्चर रहा है, परंपरा रही है, अगर किसी के घर में इस तरह का कांड, किसी तरह इस तरह का कोई कार्य होता है तो लोग संतावना देने जाया करते हैं। क्या पुलिस
कौन से प्रजातंत्र है कि किसी के परिवार से मिलने के लिए रोका जाता है एक नेता को? किस कारण से पुलिस ने रोका और किस कारण से उस परिवार के जिसकी जान गई हो, जिस सैनिक ने अपनी जान तक दे दी हो सैनिकों के शान के लिए, सैनिकों के मांग के लिए, उनके बच्चों के साथ, उनके दामाद के साथ पुलिस उनको पीटती है, घसीटती है, तो क्या ऐसे में आपको भी उनके संतावना, उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आना चाहिए था? क्या इसमें राजनीति हो रही है? क्या पूरे देश में प्रधानमंत्री जी जवानों के शहीद होने पर रोज भाषण देते हैं? रोज ठीक है, आपने अपने समय का सदुपयोग किया बीजेपी पर जमकर इल्जाम लगाने पे। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले यही सवाल मैं आम आदमी पार्टी से भी पूछूंगा। आज पता चला है आरपीएन जी आपकी इजाजत से, क्योंकि डिबेट में बहुत से लोग हैं, मैं चाहूंगा अपने अपने जवाबों को प्रिसाइज और फोकस रखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त सबको दे सकें। और क्योंकि केवल पॉलिटिशियन नहीं है, मैं रिटायर्ड फौजियों से भी जानना चाहूंगा इस मसले की प्रॉब्लम कहां पे है और उसका सॉल्यूशन अगर है तो क्या है। कपिल मिश्रा जी, क्या अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी ने इस खुदकुशी को सियासी फायदे में बीजेपी को घेरने के लिए इसका फायदा उठाया, नहीं उठाया क्या? अवस्थी जी, अगर मनीष जी अस्पताल जाते, परिवार से मिलते और वापस आ जाते तो क्या ये तमाशा होता? अरविंद जी जाते, मिलते और आ जाते, राहुल गांधी जी जाते और मिलते और आ जाते, जैसा हमेशा होता है दुख की घड़ी में लोग जाते हैं। आज उनका परिवार, उनका बेटा पुलिस मार रही है, पीट रही है, उसको गिरफ्तार कर रही है। मेरे को लगता है असामान्य परिस्थिति है, इसमें राजनीति नहीं, इसमें कुछ और ही हो रहा है। किसी एक बड़ी सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि सबका मुंह बंद कर दो, सबको जेल के अंदर डाल दो, सबको दुनिया से दूर कर दो। और वो क्या सच्चाई छुपाई जा रही है? वो सच्चाई ये है कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने सफेद झूठ बोला, जो झूठ पकड़ा गया सियाचिन में, जब दिवाली पर 2015 में जवानों के बीच में खड़े थे तब उन्होंने एक सफेद झूठ बोला, वो सफेद झूठ पकड़ा गया। आज ये झूठ की पोल, मोदी जी के द्वारा बोले गए झूठ की पोल खुलती नजर आ रही है। देश की सेना की पीठ पर छुरा भोंकने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है और अब पोल खुल गई है तो बेतहाशा में, पागलपन में, ठीक है, लोकतंत्र प्रेम शुक्ला देने वाला कदम। आप लोगों ने ओआरओपी के नाम पर देश से सफेद झूठ बोला और अब लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, विपक्ष को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। सबसे पहले तो उस सैनिक के परिवार, पूर्व सैनिक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर किसी कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रही ओआरओपी की बात, तो 1973 में जिन लोगों ने सैनिकों के सम्मान का डिग्रेडेशन किया, इंदिरा जी के कार्यकाल में, 1986 में राजीव जी के कार्यकाल में सैनिकों को और डिग्रेड करने का कार्य किया, 2008 में उसकी स्थिति और बिगाड़ी, आदरणीय राहुल गांधी जी के एक निर्देश पर जो है विधेयक तक फाड़कर फेंक दिए जाते थे। अगर राहुल गांधी जी 2008 में आदरणीय रक्षा मंत्री जी के यहां चले गए होते तो ओआरओपी शायद लागू हो गई होती, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में यह कार्य नहीं किया। आज ओआरओपी पर कार्य हो रहा, हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग संतुष्ट हो गए हैं, सारे लोग संतुष्ट हो गए तो एक कमीशन नहीं बैठाया जाता। एक विधेयक लाकर ओआरओपी को लागू करने का एक तर्कसंगत प्रयास किया गया है, उसमें कुछ खामियां हैं, किसी के साथ दोष हो रहा है तो उसके लिए कमीशन का गठन हुआ है। अब उन चीजों में जो लोग कल तक सैनिकों के बजाय आतंकवादियों के लिए स्यापा करते थे वो कम से कम सैनिकों के बारे में आज संवेदना प्रकट कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक फौजी के परिजनों को क्यों पीटा जाता है, क्यों उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्यों उस पर राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, इससे इसमें किस बात की घबराहट है बीजेपी को या दिल्ली पुलिस को? नहीं, कोई बीजेपी कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि अस्पताल में और भी रोगी एडमिट हैं। आप बड़े तो पैमाने पर वहां शोरगुल मचाएंगे, भीड़ करेंगे, तो पुलिस की एक जवाबदेही होती है कि वो जो है वहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ठीक करे और उसको जो उचित लगा, पुलिस के प्रशासन को उस समय जो उचित लगा उन्होंने कार्रवाई की है। यदि किसी के साथ आपको नहीं लगता प्रेम शुक्ला, अगर एक एक अकेले राहुल गांधी को ले गए होते, अकेले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ली गई होती तो शाम को आज ये तमाशा नहीं होता, दिल्ली की सड़कें जाम नहीं होती? पुलिस ने उस समय नहीं, निश्चित है पुलिस ने उस समय किस स्थिति में जो है ये निर्णय लिया है ये अधिकारी निश्चित तौर पर पता लगाए, वहां मौजूद अधिकारियों ने ये किस स्थिति में निर्णय लिया है। अब जो है चूंकि इनको हर चीज में राजनीति दिखाई देता है, जो झूठ बोलने वाले हैं,
जो स्वर्ग दिखा रहे थे और नरक में ढकेल दिया दिल्ली को, उन सारे लोगों को राजनीति का एक अवसर चाहिए था। जो लोग जो है बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के साथ से लेकर अफजल गुरु तक के साथ खड़े हैं, ठीक है, उनको एक अवसर चाहिए। मैं चाहता हूं कपिल मिश्रा, आरपीएन सिंह दोनों आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। दोनों ने हाथ उठाया, प्रेम शुक्ला जी, मैं डिबेट में आऊंगा। आप सबकी इजाजत से वो एक महत्वपूर्ण ऑडियो क्लिप यहाँ पे सुनाना चाहूंगा, जो आखिरी बार स्वर्गीय रमाकांत ग्रेवाल साहब ने जब बीती रात को जहर खाया, जहर की गोलियां खाई, उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को फोन किया, अपने बेटे से बात की, क्या बातचीत की, ये करीब 2 मिनट की ऑडियो क्लिप है, इसको ध्यान से सुनिए। इसमें पता लग रहा है कि किस परिस्थिति, क्या मनस्थिति थी और क्या वो कहना चाहते हैं, किस हद तक फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर हावी हो गया था अपनी तनख्वाह को लेकर, अपने को मिल रही सुविधाओं को लेकर। सुनिए भाई, ऐसा है, हाँ प्रदीप, मैंने भोजन खा लिया, किस ऑफिस से? हाँ, मैं इंडिया गेट पे बैठा हूँ और जवाहरलाल नेहरू है ना वो संग्रहालय, हाँ ना भवन, संग्रहालय भवन, हाँ, और इंडियन नेशनल और संग्रहालय, फिर यो क्या करा आपने? भाई यो क्या करा थे, नहीं हमारे साथ में अनर्थ हो रहा है, हमारे जवानों के साथ में अनर्थ हो रहा है, हमारे जवानों को वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, न्याय नहीं मिला। मेरे ख्याल तो होगा जगदीश राय है सूबेदार, हमारे जवानों के साथ में अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, थोड़ी देर से देखा नहीं गया, तो ये लड़ाई लड़नी थी। ये आपका जो है ना, ये जवान जाने, इनका काम जाने, और वही के करे मिलते गिरा दे। फिर योर डिसीजन के लिया फिर आपने पापा, है डिसीजन का क्या मतलब है इसमें? फिर अरे तेरी माँ तो बात करा दी, जब करवाऊ हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट, कितनी देर हो ली आपने, है कितनी भी कौन है भाई, मैंने कहूँ कितनी देर हो ली आपने ली? 5 मिनट हो गई भाई। कितना लिया है? 2-3 टेबलेट खा ली। क्या कौन सी टेबलेट थी ये? सल्फास की। भाई बात सुन, मैं बताऊंगा आपको, देखो हमें खुशी आदमी ना, ना ना ना, हम अपने उसूलों के आदमी हैं और अपन मेरे जवानों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए मैं वो अपने आप के जीवन में छोर कर दिया, हम बैठे नहीं बैठी सारे से, ठीक है। और रही बात ये आगे के लिए कोई तो होगा, हमारे एससी हो बीसी हो उसके साथ में अन्याय होगा ना, तो अगले के थे के? आप हिम्मत हार गए, ठीक है, तू रहने दे ना, तू अगर ना करो तो ना जी। इस बातचीत को सुनने के बाद समझ में आता है जो बात कहते हैं रामकिशन अग्रवाल साहब, कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। मैं तीनों फौजियों को लेकर आना चाहूँगा डिबेट में, फिर पॉलिटिकल पार्टी से लड़ता हूँ। सबसे पहले सतबीर सिंह जी, आपने ये पूरा मूवमेंट चलाया, आप सबसे आगे खड़े रहे, हमको याद है जंतर मंतर प्रदर्शन चलता था, आज आप क्या कहेंगे? क्या सरकार की नाकामी है, क्या सरकार के ऊपर जिम्मेदारी जाती है सुबेदार साहब ने जो खुदकुशी की उसके लिए? सबसे पहले तो अवस्थी जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एक सैनिक ने, एक जेसीओ साहबान ने आत्महत्या की है, एक इस इशू के ऊपर जो सरकार को ध्यान से देखना चाहिए और राइटिंग ऑन द वॉल्स इसको समझना चाहिए और इसके ऊपर किसी तरह का कोई पॉलिटिकिंग या पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। सरकार ने, ये इस सरकार ने नहीं, पहले भी सरकारों ने पिछले 69 साल से हमारे को डिग्रेड किया, डाउनग्रेड किया, इल ट्रीट किया और मिसट्रीट किया है। आज वो समय आ गया है जब हमको सड़कों पे ले आए हैं, हमको अश्योरेंस देकर 1 rank 1 pension इस गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया हमको असली वाली, ये बोलते रहे लेकिन इसमें सीरियस मिस्टेक्स हैं, ये 1 rank 1 pension है ही नहीं।
हमने भी इनको रिक्वेस्ट की, टाइम दिया, ये मिलने को तैयार नहीं है, ना रक्षा मंत्री ना प्रधानमंत्री जी। और इन्होंने हमारे कुछ ऑफिसर साहबान को ही उकसाकर हमारे अगेंस्ट में बोलना शुरू करवा दिया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज जो जनरल साहब थे, जनरल साहब सॉरी टू इंटरवीन हियर, मैं सुबह से आज सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और बहुत से ऐसे लोगों से मैंने बातचीत भी की है, इन पर्सन जानता भी हूँ मैं, जो ओआरओपी के आने के बाद संतुष्ट भी है, सेटिस्फाइड भी है। और मैं पर्सनल नॉलेज में बड़े बड़े लोगों के नाम भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, उनको उनको कोई शिकायत नहीं, ऐसे लोगों भी जानता हूँ मैं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। अगर मेरे को कोई भी कहे कि मेरे को शिकायत नहीं है, वो अगर हमारे सामने आ जाए और हमको बता दे कि ये असली वाली वन रैंक वन पेंशन मिल गया है, इसमें चार सीरियस मिस्टेक है, ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है, ये वन टाइम इंक्रीज है, इसको कोई भी कहता है कि वो खुश है इस वन रैंक वन पेंशन से, वो देश के सिक्योरिटी के साथ अन्याय होगा, ऐसी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। मैं ये कहूंगा जनरल राजकाध्यान, आप इस बात को एंडोर्स करेंगे कि आज भी तमाम सैनिक नाराज हैं 17 फरवरी की उस घोषणा के बाद भी जो सरकार ने की? जनरल राजकाध्यान, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग खुश हैं, ज्यादातर लोग खुश हैं। मैं अभी 3 हफ्ते पहले हिसार में 400-500 पूर्व सैनिकों से मिलकर आया हूं, उससे पहले कहीं और भी जाते रहते हैं। जनरल राजकाध्यान, ऐसे जो सरकार ने दिया है वो परफेक्ट नहीं है। जनरल राजकाध्यान, उसमें आज पहली बार मैं सतबीर एक साल के बाद बात कर रहा हूं, ये गलत है। जनरल जनरल सतबीर सिंह आपके बीच में जनरल काजान नहीं बोल रहे थे, आई रिक्वेस्ट यू, जनरल सतबीर सिंह, मेजर जनरल सतबीर सिंह, आप अपनी बारी आने पर बोलिएगा। सतबीर आप बोले, अपनी बारी आने पर बोलिएगा। सतबीर सिंह जी आप अपनी बारी आने पर बोलिएगा। काजान साहब, ओके ओके। हाँ, मेरा कहना यह है कि जो आरोप मिला है वो परफेक्ट नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि सरकार ने ज्यादातर दे दिया, हाथी दे दिए, लेकिन एक पूंछ अभी भी अटकी हुई है, जिससे पूर्व सैनिकों के दिल में थोड़ी खटास है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संतुष्ट नहीं है, लोग संतुष्ट भी हैं। देखिए, ये जो हो रहा आज के दिन पॉलिटिक्स, हम चाहे घुमा फिरा के कहें कुछ, लेकिन है पॉलिटिक्स। मैं आपको बताता हूँ, 2008 से 2014 तक ये मूवमेंट मैंने लीड किया है, प्रोटेस्ट किया है, पूरे 6 साल कांग्रेस की सरकार थी उन दोनों। मैं मनमोहन जी से मिला, मैं सोनिया जी से मिला, मैं राहुल गांधी से मिला, लेकिन आरोप नहीं आया। अगर वो अनाउंस उन्होंने किया, वो इलेक्शन से 3-4 या 5-6 हफ्ते पहले किया, उन्होंने क्या समझ के किया। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार, जब से मुद्दा चला 1982 से, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है, बीच में बीजेपी भी थी 6 साल जी, बीच में और भी थे, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवगौड़ा, किसी ने नहीं दिया था। ये तो कांग्रेस ने 17 फरवरी को एक टोकन अमाउंट 500 करोड़ दे के पार्लियामेंट में अनाउंस किया था, उसके बाद ये काउंट डाउन शुरू हुआ है। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करना ये बड़े देश के दुर्भाग्य की बात है। पॉलिटिसाइज साफ साफ बोलिए राजन साहब, को हमारे पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है, बीजेपी की कांग्रेस देते हैं, उसमें डेथ भी शामिल है अनफॉर्चुनेटली। या मैं खुद इन तीनों से मिला, जब राहुल गांधी से मिलने गए, सतबीर भी मेरे साथ थे, उन्होंने साफ बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अभी वो हम सरकार को ब्लेम करते जाएं, हमारी तरफ से सब सरकारें बराबर रही हैं, और ये मुद्दा बहुत पेचीदा स्ट्रगल के बाद ठीक है हमको मिला है। अभी भी इसमें कमियां हैं थोड़ी बहुत, मैंने जैसे बताया कि परफेक्ट नहीं है। जुडिशियल कमेटी को हमने वही पॉइंट दिए हैं, जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आई है, सरकार से मिलते भी हैं। अभी 24 तारीख को भी रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हुई थी, पूरी कोशिश सरकार की तरफ से है कि इन कमियों को दूर किया जाए। तो सेना के अंदर भी दो व्यू पॉइंट है हमारे सामने इस डिबेट में दिख रहा है। सतबीर सिंह जी भी बात कर रहे हैं, सिंह साहब मैं आऊंगा, काद्यान साहब भी हैं, प्रबोध कुमार साहब हैं, क्योंकि इस पूरी डिबेट में इस बात को कहा जा रहा है कि अफसरों को तो मोटी मोटी पेंशन्स मिल रही हैं, लेकिन जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और जिन्होंने खुदकुशी की वो खुद सूबेदार सा रैंक के थे, रामकिशन ग्रेवाल साहब। प्रबोध कुमार जी मेरे साथ हैं, सार्जेंट रहे, वायुसैनिक रहे हैं एयरफोर्स में। प्रबोध कुमार जी, क्या आप लोगों के वर्ग में इस बात की नाराजगी है कि हमको ठीक पेंशन नहीं मिली, सरकार की ये स्कीम गलत है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए अवस्थी जी, जो मुद्दा है ये अचानक विसंगति आज नहीं हुई है, विसंगति
बहुत पहले से चला आ रहा है ये, और अभी जो वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा है, एटलीस्ट जो है 25 लाख देश के पूर्व सैनिक इस प्रधानमंत्री को जरूर सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने एक साहस दिखाया, साहस दिखा करके एक कदम उठाया और लोगों को वन रैंक वन पेंशन देने का काम किया। नहीं पर बीजेपी और आम आदमी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो मना कर रही है अभी साहब का कपिल मिश्रा रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं झूठ बोला मैं बताना चाहता हूं उनको कि देश को गुमराह नहीं करें। आप कुछ भी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं मैं कोई पार्टी से जुड़ा नहीं हूं। विसंगति जो है थोड़ी विसंगति है उस विसंगति के लिए एक कमीशन बैठा हुआ है और जिनकी जो शिकायतें हैं उस कमीशन के पास जाएं कहें। और ये जो जनरल सतवीर सिंह जी हैं, काद्यान साहब जो हैं, बड़े लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल रैंक से रिटायर हुए हैं, पता नहीं क्यों क्या कर रहे हैं ये लोग, ये क्यों अपनी बातें वहाँ नहीं रखते हैं उस कमीशन के पास। और यहाँ पे ये सूबेदार साहब ने जो अपने आखिर में जो चिट्ठी है उनकी जिसको सुसाइड नोट कहा जा रहा है, इसमें वो लिखते हैं कि उनकी तनख्वाह अपने साथियों से कम है। मैं सुसाइड नोट अगर दिखा दें अपने टीवी के माध्यम, अपने टीवी पे ये सुबह से चल रहा है जी सब, हाँ, सब चैनल। इसमें जो है सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सबसे पहले जो बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट है, मैं इसको सुसाइड नोट नहीं कह सकता क्योंकि ये 31 जो है अक्टूबर को लिखा हुआ है, देश के रक्षा मंत्री जी को संबोधित किया हुआ है और 31 अक्टूबर को लिखा हुआ है और ये कब पहुंचा है रक्षा मंत्री जी के पास। और इसमें जो है सबसे जो देखने वाली बात है, इस पत्र में चार लोगों के सिग्नेचर हैं, इस पत्र में चार लोगों के सिग्नेचर हैं जिनका नाम है पृथ्वी सिंह, सम जगपाल सिंह, सूबे सिंह, माथुराम, चार लोगों के नाम हैं, सिग्नेचर हैं और मोबाइल नंबर हैं। और उसके बाद लिखा हुआ चाहिए मेरे बहुत, ये तो बड़ा ही इसी नोट पर मैं जवाब दूंगा आरपीएन सिंह से, कपिल मिश्रा से भी, लेकिन मुद्दा वन रैंक वन पेंशन का नहीं है। नहीं वन रैंक वन पेंशन का तो है, फोन पे बातचीत नहीं सुनी आपने? फोन में साफ कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, आप कैसे कह सकते हैं अन्याय अनर्थ हो रहा है? मेरे साथ हमारे जवानों को नहीं मिला नायब सूबेदार, मैंने भी सुना उसको, नायब सूबेदार का जो है हमारे जवानों को नायब सूबेदार नहीं मिला, जवान जो है प्रमोट होकर नायब सूबेदार जाते हैं। तो ये जो मुद्दा है ये आज रातों रात तो हुआ नहीं है। कुलवंत सिंह जी मेरे साथ, कुलवंत सिंह जी भी जुड़ गए हैं जो ग्रेवाल साहब के, पिछली सरकार ने, मैं आता हूँ, स्वर्गीय ग्रेवाल साहब के बेटे हैं कुलवंत सिंह जी, इस वक्त मेरे साथ भिवानी से लाइव है अपने घर से। कुलवंत सिंह जी हमें बहुत संवेदना है आपके साथ, बहुत हमदर्दी आपके साथ, जो हुआ आपके पिताजी के साथ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, क्या वो बहुत परेशान थे, क्या अपनी पेंशन को लेकर उनको अधिकार जो नहीं मिल पा रहे थे उसको लेकर डिस्टर्ब चल रहे थे? नहीं थी ऐसे कोई परेशानी वाली बात तो नहीं थी, परेशान तो कुछ ऐसी बात तो कभी करते ही नहीं थे कि भी परेशानी में है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और बाकी जो आप बता रहे थे कि ये चार ही सैनिक के सिग्नेचर थे, जो चार ही सैनिक एक एक करके सैनिक का ये जो प्लाटून बनता है, टुकड़ी बनती है और ये पूरा मिलिट्री जो है जी, ऐसे कैसे बोल रहे थे अभी आप जी? हाँ जी, एक दो का क्या मतलब है इस चिट्ठी में? सही तो शहीद ही होता है, एक जवान शहीद हो जाए तो वो शहीद ही कहलाएगा। अभी 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 जो पीछे आपने देखा कितना जवान शहीद हुआ था उड़ी में, बिल्कुल हम तो खुद बोल रहे हैं कि आप बताओ, हम तो खुद बोल रहे हैं कुलवंत सिंह जी। लेकिन ये सवाल यहाँ पर एक हमारे आपके जैसे एक और सज्जन बैठे हुए हैं पूर्व वायु सैनिक, ये नहीं ऐसे आपने समझा ही नहीं, आपने ये नहीं समझा कि अभी जो इस हालात में, नहीं आपने समझा नहीं कि अभी इस हालात में इनका परिवार किस परेशानी से गुजर रहा है जी। कोई मतलब ये होना चाहिए नहीं कि भाई इनकी जो अब की स्थिति है, जो अब बनी हुई है वो क्या है, किस स्थिति से इनका परिवार जो अभी गुजर रहा है, 2-3 दिन हो गए जी, और अभी जो हमारे जो फैमिली के जो मेंबर है वहाँ गए हुए हैं और उनको वहाँ अरेस्ट किया हुआ है।
आपकी बात हो पाई के लिए अपने भाई से, तो उसे मिलने नहीं जो दिल्ली में जिनको अरेस्ट किया गया तो आप... ये आप नहीं एक 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 मिनट जी सुनो ये सुनो अगर मान ले एक सैनिक का परिवार के साथ ऐसा ही होता रहा तो फिर सैनिक बनने का कौन जवान सपना देखेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल कभी भी देख लियो हमेशा ही एक सैनिक का परिवार ही मार में आता है। बिल्कुल ठीक क्या कारण है ये प्रेम शुक्ला जी। हाँ जी कारण मैं आपकी क्या सवाल का जवाब देता हूँ। ये परिवार का दर्द है प्रेम शुक्ला जी। हाँ जी इसका जवाब दीजिए। नहीं ये दर्द बहुत वाजिब है, ये दर्द बहुत वाजिब है। हम उनकी उनके साथ पूरी तरह खड़े हैं। उनके परिवार के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए ये सुनिश्चित किया जाए। अन्याय तो हो गया, अगर दर्द होता तो आप ये नहीं बोलते। नहीं सर, अब उन्होंने उनके प्राणांत हो गए। आप नहीं, ये बहुत दुख की बात। हमारा एक नहीं मानूंगा नहीं, और उसका परिवार नहीं मान रहा मैं। परिवार के साथ हमारी पूरी समझ। अगर आपके दिल में दर्द होता तो आप ये नहीं कहते कि सिग्नेचर ही चार आदमी का था। नहीं मैं सिग्नेचर पर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मेरा टिप्पणी नहीं है। हमारी पीड़ा मेरी टिप्पणी नहीं है, मैं बिल्कुल इस तरह हमारी पीड़ा हमारे पास है, आपके उसे पास नहीं है। मैं नहीं मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ और मुझे पूरी आपके परिवार के प्रति मेरे मन में पूरी श्रद्धा और आदर का भाव है। उसका हाँ हाँ उसका उसका ये आप जो आप जो बोल रहे थे ये मेरी टिप्पणी नहीं है। वो बस हमारा मेरी टिप्पणी नहीं है। कुलवंत जी मैं तो आपको साफ कुलवंत जी कुलवंत जी एक मिनट कुलवंत जी मेरी बात सुनिए। कुलवंत जी ये कंफ्यूजन लेके मत जाइएगा। कुलवंत जी मेरी बात सुनिए ना। आपकी आपकी मैं वो चिट्ठी पे जो चार हस्ताक्षर की बात थी वो इस पैनल पे एक और इस पैनल पे आठ आदमी है। आप सात आवाजें सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ आप जहाँ बैठे हैं वहाँ टीवी नहीं होगा। आप सात आवाजें सुन रहे हैं तो आपका आपने जो कहा कि कोई भी व्यक्ति सैनिक नहीं बनेगा इस जो आपके परिवार पर बीत रही है तो मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से आपकी बात कराई थी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने ये सिग्नेचर वाली बात नहीं कही थी। ये बात एक ठीक है से वायु सैनिक ने की थी। हाँ अब बोलिए, बात नहीं है अब बोलिए आप बोलिए कुलवंत जी। अच्छा कुलवंत जी आप बोलिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कब घर से निकले थे क्या कह के निकले थे। मेरा कहने का तात्पर्य नहीं ये नहीं था जी। जो नहीं 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 जो आप बोल रहे हो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब यही था जब आप एक सैनिक की शहादत पर ऐसे विचार बोल रहे हो तो फिर कौन ये सोचेगा कि मैं सेना में जाऊं। आप बताओ। बिल्कुल सही बात है। ये तो इस तरह की परिस्थितियों में अगर देश में न्यौछावर प्राण न्यौछावर करने वाला सैनिक इस तरह की चिट्ठी लिख कर जाता है इस तरह के शब्द लिख कर जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये हम लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि एक सैनिक ऐसा कदम क्यों उठाता है। और शायद इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कुलवंत जी कि इस चिट्ठी में जो चार व्यक्तियों के नाम का जिक्र है क्या आप ही के गांव के हैं? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? क्या ये चारों पांचों लोग इकट्ठे गाँव से निकले थे भिवानी से? नहीं जी ये तो बस भर के गई थी भिवानी से। अच्छा हाँ बस भर के गई थी भिवानी से। अलग अलग गांव के हैं ये सभी। अच्छा ठीक है। मैं आपको किसी और चैनल पे आगे जाना है। मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा आपने वक्त निकाला हमसे बात की। लेकिन जाते जाते ये ज़रूर कहूंगा कि आपके इस दुख की घड़ी में मैं और हमारा पूरा नेटवर्क आपके साथ है। हम आपके किसी भी काम आ सकें तो हमारे लिए बड़े संतोषजनक बात होगी। शुक्रिया कुलवंत जी आपने वक्त निकाला इस मुश्किल की घड़ी में हमसे बात की। लेकिन मैं जवाब चाहूँगा पहले प्रबोध कुमार जी आपसे क्योंकि आपकी बात से वो नाराज हुए। उनको लगा कि आप ये चार हस्ताक्षर की जो बात कर रहे हैं या आप उनकी चिट्ठी के असली होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं मैं असली होने पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। सवाल ये यहाँ ये उठता है कि ये चार लोग क्या उस घटना के वक्त थे क्योंकि 31 तारीख को ही ये चिट्ठी लिखी गई। क्यों नहीं थे? होंगे आप भी कैसे कह सकते हैं? अगर घटना के वक्त थे तो क्योंकि एक का नाम तो वो ले रहे हैं। हाँ एक का नाम तो अपनी बातचीत में उस आखिरी बातचीत में जगदीश राय ना सबका नाम ले रहे हैं। वो तो वो जो लोग जो उनके साथ उनका नाम भी लिखा है उनका नंबर भी लिखा है वो जो साथ लोग थे उनके उन्होंने क्यों नहीं रोका उन्हें? हो सकता है रोका हो। आप ये कैसे कह सकते कि नहीं रोका? हो सकता है समझाया जो परिस्थिति है
संदेह पैदा करती है, परिस्थिति संदेह पैदा करती है यहाँ पे। नहीं, पर हो सकता है कि रोका भी हो ना, हो सकता है कि उनको हो सकता है रोका मदद करने की कोशिश भी की गई हो, सकता है कि रोका है। आप इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, जो उसके बाद उन्होंने फोन कॉल की जिसमें उनका मन स्थिति साफ समझ में आती है कि वो वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, उसको आप कैसे गलत साबित कर सकते? जो अन्याय हुआ, सबसे पहले ये जो बात है, इसमें उन्होंने अपने पैरा वन में लिखा है अपने पत्र के कि जो है इनके साथ के जो लोग थे उनकी तनख्वाह उनसे ज्यादा थी, उनकी तनख्वाह उनसे ज्यादा थी। हाँ। ये वेतन जो है विसंगति का मामला, विसंगति थी ना। हाँ, विसंगति ऐसा होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि फिक्सेशन का मामला होता है, किसी एक का अगर गलत पे फिक्स हो गया, गलत पेंशन में फिक्स हो गया, तो उसके लिए आप पूरी सरकार को जिम्मेवार, महकमे को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। आरपीएन सिंह जवाब देना चाहेंगे उसके लिए कि हाँ, पूरी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते? कादियान साहब मैं आता हूं। बड़े अफसोस की बात है सुमेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। बहुत देर तक, आधे घंटे मैंने कुछ बोला नहीं है, दो मिनट हमारी भी बात सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बोलिए, सबके बोलने की इजाजत है। एक सैनिक की शव पड़ी हुई है और उस पर आपके चैनल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो पत्र सही है या गलत है? बड़े ही दुख की बात है जिसके परिवार ने उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हो। मोदी सरकार ने उस परिवार के बच्चों को, लड़कों को, दामाद को बरबत्ता से अपने पुलिस से पिटवाया हो, और हम आपके चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं क्या ये जो उसने नोट लिखा था सही है? आपके चैनल पे जो सूबेदार साहब बैठे हैं, क्या इस पे हमें टिप्पणी करनी चाहिए कि ये चिट्ठी सही है कि नहीं सही है? जिस तरह सैनिकों की आवाज दबाई जा रही है, उनके परिवारों से बर्बरता की जा रही है, क्या ये नोटेड पॉइंट? यू गॉट अ पॉइंट। और हम राजनीति कर रहे हैं, यू गॉट अ पॉइंट। लेकिन आरपीएन सिंह जी, आपके सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि 1973 से एनामोली शुरू हुई और कांग्रेस के शासन में ये आगे बढ़ी। अभी आपने कादियान साहब की बात भी सुनी, चर्चा उसके चिट्ठी पर करने की पड़ रही है। नहीं नहीं, पर उसके परिवार के साथ चिट्ठी पे चर्चा इसलिए हो गई कि चिट्ठी भी इस चर्चा का हिस्सा है। लेकिन चलिए, चिट्ठी से आपको चर्चा अगर आपको नहीं करनी है, तो आरपीएन सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत कैटेगोरिकल आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लग रहा है कि अगर सैनिकों के साथ विसंगति हुई उनकी तनख्वाहों को, उनकी पेंशन को लेकर, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार नहीं है। इस सरकार ने तो उसको दूर कर दिया, ये सरकार तो श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मैं इसका जवाब दे दूंगा सुमित जी, बोलिए। यूपीए 1 में और यूपीए 2 में तीन बार पेंशन बढ़ाया गया हमारे सैनिकों का, वेटरन्स का। अगर ये बात सही है या नहीं, आपके वहां जनरल बैठे हुए हैं वो बता सकते हैं। तीसरे पेंशन उठाने के बाद वन रैंक वन पेंशन की बात हुई, उस चेयरमैन, उस सिलेक्शन, उस कमिटी का हेड कौन हुआ? कोश्यारी जी बने, जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, जो भी उनके उस कमिटी का जो भी निर्णय था, कोश्यारी जी के कमिटी का जो निर्णय था, वो ओआर और ओपी को हमने फरवरी 2014 में लागू किया था। सुमित, आरपीएन सिंह ठीक कह रहे हैं कि दो बार पेंशनें बढ़ी थी। एंटनी साहब खुद कहते थे कि हम वन रैंक वन पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो गैप जो पुराने और नए पेंशनर के बीच में हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। 2009 में भी बढ़ी थी, 2012 में भी, वो सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, जिससे सूबेदार रामकृष्ण की जो दुविधा थी, बड़े दुख की बात है कि वो चले गए, वो समझी जा सकती है। यूरोप की लड़ाई बढ़ोतरी की नहीं थी, यूरोप की लड़ाई बराबरी की थी। हमारा संघर्ष था कि पुराने पेंशनर्स की पेंशन अगर रैंक बराबर है और टोटल सर्विस बराबर है तो नए पेंशनर के साथ लाई जाए और आगे भी उसको बराबर ही रखा जाए। इसमें सबसे ज्यादा फर्क सिपाही का था, 41%, उससे कम नायक की पेंशन का था, उससे कम हवलदार सूबेदार रैंक के, तो फर्क बहुत कम था। इसीलिए उनको लगा कि और सबको मिल गया, मुझे नहीं मिला। लेकिन ये लड़ाई बढ़ोतरी की नहीं थी, बराबरी की लड़ाई थी। तो बराबरी कहते थे, बराबरी का हक देने में ये ओआरओपी जो सरकार लेकर आई है, क्या वो कामयाब नहीं रही कादियान साहब? नहीं, ये सरकार जो लाई है, मैं फिर कहता हूं कि ये बहुत हद तक कामयाब है। लेकिन दो बातें हैं, जनरल सतबीर चार कह रहे हैं, मैं दो ही मानता हूं। हम ये मान के चलते हैं कि इसकी जो परिभाषा, शहरी कमेटी ने, जो राज्यसभा की कंप्लेंट्स कमेटी थी,
उसने जो वर्कआउट की थी हमारे लिए वो माननीय एक परिभाषा है, सरकार उसको नहीं मानती है। उनका कहना था कि पुराने पेंशनर्स की पेंशन नए पेंशन के बराबर लेके आओ, और सतबीर सिंह काउंटर करना चाह रहे हैं। नई पेंशनें बढ़ती हैं, पुरानी पेंशन ऑटोमेटिकली बढ़नी चाहिए। सतबीर सिंह जी काउंटर करना चाह रहे हैं। सरकार ने पहली बात तो कर दी लेकिन दूसरी बात नहीं करी। जनरल काजन आपकी बात पे भेजे जनरल सतबीर सिंह काउंटर करेंगे, फिर कपिल मिश्रा आपके पास। मैं एक मिनट में खत्म कर लूं। साल में एक बार बढ़ती है जी, तो मैं आ रहा हूँ। जनरल सतबीर सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। सतबीर सिंह जी जल्दी से 30 सेकंड्स। हाँ, मैं ये कहूंगा जनरल कादियान कह रहे हैं कि दो है, नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि चार विसंगतियां हैं, दो सीरियस हैं ज्यादा और दो कम सीरियस हैं। उनको बदली करने के लिए सिर्फ 800 करोड़ रुपया चाहिए। अरे 7500 करोड़ रुपया दे दिया, 800 करोड़ के पीछे ये सरकार अपने लफजान के मुताबिक हम फौजियों को 30 लाख फौजियों को नहीं देना चाहती। ये नीति की बात है जी, ये ऐसा नेक्सस है बाबूजी। पर मुझे बताइए ना जनरल सतबीर सिंह, जब 7500 करोड़ दे दिया तो 800 करोड़ देने में क्या दिक्कत है? क्या लगता है आपको, क्यों 800 करोड़ नहीं सरकार दे रही है, क्यों रोक के रखे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपको, क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। आप लोग सरकार से डील कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला बैठे में जवाब मांगूंगा उनसे। नहीं, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं दे रही, ये तो गलती है। प्रेम शुक्ला, रक्षा मंत्री जी से बात करी, उन्होंने बोला हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा है और फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया है, फिर भेजा। अभी जब फाइनल उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तो वो सारी की सारी गलतियां फिर उधर शामिल। प्रेम शुक्ला, असली बात ये है कि पिछले 69 साल से, ठीक है, नहीं एक मिनट प्लीज, 30 सेकंड से फौज को डाउनग्रेड क्यों किया गया है, हमारे को क्यों पीछे रखा गया है, हमारी चीफ को क्यों डाउन कर दिया है? प्रेम शुक्ला, चीफ का रिस्पॉन्स जवाब दीजिए। 7500 करोड़ दे सकते हैं, 800 करोड़ देने में क्या दिक्कत है? सेना को क्यों डाउनग्रेड किया जा रहा है, क्यों सेना का मोराल डाउनग्रेड किया जा रहा है? प्रेम शुक्ला, देखिए 73 से लेकर 2014 तक सेना को गैर बराबरी का शिकार बनाया गया, उसके उसका अपमान किया गया, उसको वंचित किया। 14 से 16 की बात करिए, मुझे आपने 7500 करोड़ दिया, 800 करोड़ क्यों नहीं? 2-5 सेकंड मुझे भी देंगे ना, 2-5 सेकंड मुझे भी देंगे ना, जरा 2-5 सेकंड प्लीज। आप कहानी मत सुनाओ ना, अपील तो कर सकता हूँ। आप तो कहानी सुना रहे हो। मैं कहानी बिल्कुल नहीं सुना रहा हूँ, बिल्कुल कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आप सुन तो ले सरकार। अच्छा बोलिए, राज कादियान जी ने कहा हाथी चला गया, पूछ चला जाए, पूछ का जाना बाकी है। आप भी कह रहे हैं कि 7100 करोड़ दे दिया, 800 करोड़ का राज कादियान साहब ने न्याय को, जो अन्याय है, अन्याय को न्याय में तब्दील करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और न्याय देने वाले न्याय देने के प्रति संकल्पबद्ध और न्याय प्राप्त होगा। लेकिन जिन्होंने अन्याय किया वो न्याय के नाम पर जिस तरह के अन्याय की दुहाई दे रहे हैं वो बहुत जो है राजनीति का पाखंड प्रतीत होता है। सैनिकों के साथ पूरी सद्भावना, उनके साथ पूरी संवेदना, कपिल मिश्रा और उनके न्याय देने के लिए हमारा, सॉरी मेरे पास आखिरी कुछ मिनट बाकी है, कपिल मिश्रा को लाना चाहूंगा। कपिल मिश्रा काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। कपिल जी शायद प्रेम शुक्ला आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, राजनीति करके अन्याय कर रहे हैं। कपिल मिश्रा अगर सुनना चाहेंगे, देखिए बड़ा दर्दनाक ऑडियो सुनने को मिला है और वो पत्र भी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो सद्भावना और सम्मान की बातें हो रही हैं कि हम सैनिकों को देते हैं, ये कौन सा सम्मान की परिवार, जिसकी जिसकी शहादत हुई है उसका परिवार थाने में बंद है, और ये कौन सी संवेदना कि वीके सिंह कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से ही ठीक नहीं थे। ये सब टेक्निकल डिटेल में डिस्कशन हो सकते हैं, लेकिन आत्महत्या कब होती है? आत्महत्या होती है जब भरोसा और विश्वास टूटता है। इन सैनिकों को आप भरोसे में नहीं रख पाए, आप इनका विश्वास नहीं जीत पाए, और उस सैनिक पे क्या बीत रही होगी जो बॉर्डर पे खड़ा है इस वक्त, जो ये देख रहा है कि उसके लिए लड़ने वाला एक बुजुर्ग सैनिक भी बलिदान देने पे मजबूर हो गया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। वो यही तो कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री मिलने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री मिलने को तैयार नहीं है। ये कहते कहते राम किशन जी शहीद हो गए। आप वो टेक्निकल डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने सेना का भरोसा, आपने जवानों का, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूं,
बिल्कुल टेक्निकल, एक न्याय सुनिश्चित करने का जिसने जो है संसाधन खड़ा कर दिया, जब कमीशन है वहां पर आपकी सुनवाई है, वहां वार्ता के सारे द्वार हैं, उसके बावजूद जो है एक सैनिक का परिवार को क्यों मारा, हमारे लिए प्रेम परिवार को क्यों मारा, प्रेम शुक्ला जी बेटे को क्यों मारा, उनको हिरासत में एक बार क्यों कर लिया, गिरफ्तार क्यों कर लिया, नहीं उस पर पुलिस जो है आपको सही सूचना दे सकती है, और पुलिस तो आपके अंदर में काम करती है, पुलिस का इशारा कर सकते हैं। नहीं, हमने पुलिस फोर्स को राजनीतिक हस्तक्षेप का अड्डा नहीं बना रखा है, हम सीबीआई और सेना सब जानते हैं, पुलिस इसको राजनीतिक हस्तक्षेप का अड्डा नहीं बनाते, ठीक है, पुलिस जो है वो किसी पर अनुचित कार्रवाई माफी के साथ की कमी है। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का इस डिबेट में जुड़ने के लिए मेरे साथ, लेकिन कुल मिलाकर रामकिशन ग्रेवाल साहब की जो दुखद अंत हुआ, उनका जो प्राणांत हुए, उनकी जो खुदकुशी हुई, उस पर राजनीति अपने चरम पर है और मुझे लगता है कि कल तक और आने वाले कुछ दिनों तक रहेगी, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को लगता है कि इस मामले पर एक दूसरे को घेरा जा सकता है। चुनाव सर पर है, उत्तर प्रदेश के चुनाव भी, पंजाब के चुनाव भी, उत्तराखंड के चुनाव भी, इन तीनों राज्यों से बड़ी संख्या में भारतीय सेना में अधिकारी जवान सैनिक आते हैं, देश की सेवा करते हैं, उस वोट बैंक की खातिर इस बहस को अगर आप और गर्माता देखें तो घबराइएगा नहीं,